हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं भी तुम्हारा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको पार्टीशन कैसे बनाने हैं अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव के। हार्ड डिस्क ड्राइव में पार्टीशन बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे पार्टीशन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे है। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मेरे को जाना है जिस पीसी पे। आप अगर कोई विंडो 7 वगैरह यूज कर रहा है, कोई अलग माई कंप्यूटर भी हो सकता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, माई कंप्यूटर जिस पीसी सेम बात है, आप उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद उसमें मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं स्टोरेज। स्टोरेज में आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट। इस पर आपको सिंपल एक क्लिक कर देना है, सिंगल क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं जो आपके ड्राइव में पार्टीशन बने हुए हैं, सी ड्राइव का और एक बनाया हुआ ए ड्राइव का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ देख सकते हैं आप, ये दो पार्टीशन है, ए ड्राइव और सी ड्राइव। ठीक है, तो ये चलते हैं वापस वहाँ पे। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। अभी मेरे को एक पार्टीशन बनाना है। ठीक है, मेरे को बनाना है 100 GB का पार्टीशन बनाना है, और मेरे को ये जो स्टोरेज लेना है वो मेरे को लेना है ए ड्राइव में से। ठीक है, तो मेरे को इसमें से ए ड्राइव में से मैं लेता हूँ 100 GB। ठीक है, पार्टीशन बनाने के, सिंपल पार्टीशन बनाने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के ऊपर जाना है श्रिंक वॉल्यूम पे, इसको तो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें इसने टोटल साइज जो MB में बताया हुआ है, ये बताया हुआ है 511,999, और मेरे को 100 GB बनाना है। मेरे को जितना GB स्टोरेज चाहिए, मेरे को उसको 1024 MB से मल्टीप्लाई कर देना है। 1024 मीन्स कि 1 GB में 1024 MB स्टोरेज हो, जो उसका स्टोरेज का साइज होता है वो साइज होता है 1024 MB। जितनी भी GB आपको चाहिए, आपको उसमें सिंपल 1024 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वो नंबर आएगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, उसको यहाँ पे डाल देना है। अब 1024 के लिए तो सिंपल मेरे को 2 0 आगे लगा देना है, बट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 50 GB, 40 GB, 45 GB, 105 GB, जितने भी XYZ जितने भी नंबर का आपको चाहिए स्टोरेज, उसको आपको 1024 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे को तो सिंपल यहाँ पे मेरे को 100 GB का चाहिए, तो मैं 1024 24 और 00, 2 और 0, तो ये मेरा नंबर आ गया है, ये 100 GB बन चुका है अकाउंट। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसको श्रिंक कर देना है, सिंपल क्लिक कर देना है श्रिंक बटन पे। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं 100 GB की अनएलोकेटेड एक स्टोरेज ड्राइव बन चुकी है। पार्टीशन जो बनाया है वो अनएलोकेटेड है, उसको एलोकेट करने के लिए मीन्स आपको यूज पार्टीशन को यूज कर सको, उसके लिए हमें इसे एलोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना, और उसको जाना है न्यू सिंपल वॉल्यूम पे, हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें साइज जो हमने डिसाइड किया था वो साइज है, उसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें ये बोल रहा है कि आप असाइन कर सकते हैं किसी भी ड्राइव को। यहाँ पे आप अल्फाबेटिक में कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, तो ये जो बाय डिफॉल्ट मेरे को कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है, मैं उसको उसको रहने देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वॉल्यूम लेवल में इसको रख लेता हूँ अमित के नाम से। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, या किसी भी नाम से उस टाइप को, उस पार्टीशन को नाम रखना चाहते हैं, वो उसको आप यहाँ से वॉल्यूम लेवल, जो भी लेवल लगाना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद वो फॉर्मेटिंग हो रही है, हमारी एलोकेट हो चुकी है अमित के नाम से। अब यहाँ देखिए, ये आ चुकी है अमित निर्वाण 100 GB। मैं आपको उधर भी दिखा देता हूँ। इस पीसी में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इस पीसी में अमित निर्वाण की एक ड्राइव में पार्टीशन बन चुका है 100 GB। दोस्तों, पार्टीशन बनाना काफी इजी है। पार्टीशन हम बनाते हैं अपने फाइल्स, अपने इमेजेस, अपने प्राइवेट डाटा को सिक्योर रखने के लिए। अगर अलग से कोई कंटेनर हो, कंटेनर मीन्स पार्टीशन, अगर हम कोई भी ड्राइव का एक ही कंटेनर रहने देते हैं, सपोज दैट आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास एक ही एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स कंटेनर बॉक्स है, ठीक है, मीन्स कि जिसमें आप घर में देखते होंगे किचन वगैरह में कि दाल रखी हुई है, छोले रखे हुए हैं, एक्स वाई जेड कोई भी चीज रखी हुई है, आप उनको एक ही बॉक्स में रख दोगे तो आपको उनको सबको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर वो बॉक्स ही टूट जाता है, अगर वो कांच का बॉक्स है और वो टूट जाता है, तो सारी चीज खराब हो जाएगी। उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर आप पार्टीशन नहीं करते हैं, आपकी एक ही कंटेनर है, मीन्स एक ही ड्राइव, एक ही ड्राइव का पार्टीशन बना हुआ है सिंपल, तो उसमें आपका कोई भी प्राइवेट डाटा, उसको पर्सनल फाइल्स, आपकी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, अगर वो करप्टेड हो जाती है, तो वो आपके सारा कुछ करप्ट हो जाएगा। तो नेसेसरी है कि आप पार्टीशन बनाएं अपने ड्राइव के। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 2 पार्टीशन को रखें अपने ड्राइव के। अगर सी ड्राइव है तो उसका एक अलग से कोई एक पार्टीशन भी रखें, जिससे कि आपको अपनी फाइल्स और अपने इमेजेस वगैरह, पर्सनल डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको रखने में आपको और सिक्योर रहे आपके वो डेटा वगैरह सब चीजें। तो पार्टीशन हम इस तरीके से हम बना सकते हैं। प्रॉब्लम आती है, आपके काफी ज्यादा पार्टीशन बन चुके हैं, आप चाहते हैं मेरे, अब मेरे को 2 पार्टीशन ही रखने, और आपने 4 बनाए हुए हैं, 3 बनाए हुए हैं,
तो आपको डिलीट कैसे करना है, तो मैं आपको डिलीट करना भी बता देता हूँ कि आप पार्टीशन को कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद वो अनएलोकेटेड स्टोरेज जो बन जाता है उसको एलोकेट कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। तो दोस्तों में जो ड्राइव वो तीन पार्टीशन में है, ए सी और डी, ठीक है। मेरे को अमित निर्माण की जो मैंने बनाई है वो मेरे को डिलीट करना है, तो उसको क्या करना है मेरे को, हमें सेम स्टेप फॉलो करने हैं, हमें जाना है जिस पीसी पे उस पे राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे, मैनेज पे जाने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपको ड्राइव का पार्टीशन आपको डिलीट करना है, उस पर आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए और उससे डिलीट वॉल्यूम का क्लिक कर दीजिए, जो भी बोले उसको यस कर दीजिए, और आपकी वो जो स्टोरेज जो बना हुआ था पार्टीशन का वो डिलीट हो चुका है, बट वो अनएलोकेटेड है, वो 100 GB जो अनएलोकेटेड है, ठीक है, उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट आप किस में करना चाहते हैं, उसको एक्सटेंड किस में करना चाहते हैं, मींस को उसको 100 GB को किस में ऐड करना चाहते हैं, तो मेरे को जिसमें से मैंने लिया था ए में से मेरे को उसी में ऐड करना है, तो मैं इस पे सेलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करता हूं और इसको एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पे आएगा, उसको नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं, और आप देखेंगे अब वो जो एलोकेटेड स्टोरेज था पार्टीशन का वो इसमें एलोकेट हो चुके मेरी एरिया में, और आप देखेंगे यहाँ पे अब मैं जिस पीसी में चलता हूँ यहाँ से पार्टीशन डिलीट हो चुका है। तो कितना आसान है पार्टीशन बनाना और कितना आसान है आप डिलीट करना, मीन्स कि आप उस पार्टीशन को बना सकते हैं, पार्टीशन बनाने के बाद उसको सिंपल डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। बाय, टेक केयर।